देखिए गाइस, रोटी स्प्रिंग रोल जो कि हमने बहुत आसान ढंग से बनाए हैं, जो बच्चे बिल्कुल रोटियां नहीं खाते हैं वो इनको मांग मांग कर खाएंगे। तो ये देखिए रोटी स्प्रिंग रोल, आप जरूर एक बार बनाइएगा और खाइएगा। तो ये देखिए इसका क्रिस्प सुनाते हैं, ये देखिए इसको हम काट कर दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, आवाज सुनिएगा, ये देखिए, देख सकते हैं कि कितना टेस्टी और कितना यम्मी है। ठीक है, ये हमारा रोटियों से बना हुआ रोटी स्प्रिंग रोल, तो आप अपने घर में बनाइए। जो बच्चे बिल्कुल रोटी नहीं खाते हैं वो फटाफट रोटियां भी खाएंगे और सारा स्नैक आपका खत्म हो जाएगा, और आप सब यही बोलेंगे कि हमें फिर से बना कर दीजिए। तो आज की हमारी ये रेसिपी, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, इस समय बारिश का मौसम है और कुछ यम्मी सा क्रंची सा खाने का मन हो और हमें बाहर जाने का भी मन नहीं है, तो क्या बनाएं? तो देखिए, घर के इंग्रेडिएंट से जो कि वेस्ट हो जाता है कभी कभी, तो उस इंग्रेडिएंट से हम बनाते हैं एक रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। ये हमने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं चार। वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट में हम एकदम जो आप लोग कहते हैं इनका हम क्या करें उसी से कितना क्रंची नाश्ता जो कि आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने आलू को तोड़ लिया है। ठीक है, आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक मीडियम साइज का अनियन बारीक काट लिया है। ठीक है, उसको उसमें डालेंगे। देखिए ये सब हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना फ्राई किए हुए डालेंगे, आप चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक टमाटर ले लिया है जो कि बारीक काटा हुआ है, और इसी में हम इसको भी ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम मिर्च नहीं ऐड करेंगे। ये बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड किया हुआ। देखिए हमने ये अपना नमक जो हमने पीस कर रखा हुआ है वो डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसमें मिर्च और धनिया पाउडर सारे मसाले इस नमक में हैं। ठीक है, तो ये अब हम लेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा स्वाद देने के लिए, एक स्पून के करीब। और ये देखिए, थोड़ा सा गरम मसाला बिल्कुल इसको ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे पास हरी धनिया नहीं है, तो ये जो हमने हर धनिया को सुखा के रखा है, ये हरी धनिया है, इसको हमने सुखा के रखा था, उसको हम इसमें डाल लेंगे। आपके पास अगर हरी धनिया हो तो आप वो ज्यादा वो डालिएगा, वो उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो ये हम अपने आलू में ऐसे ही मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, आलुओं को हम ठंडा लेना है, गर्म बॉयल आलू नहीं लेने हैं। आलू को आप ले लीजिए, उसके बाद में रख दीजिए ठंडे होने के लिए, बॉयल हो जाए फिर उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में या कहीं भी रख दीजिए, ठंडे हो जाए उसके बाद ले लीजिए। वरना अगर आप ऐसा बॉयल आलू ठंडा नहीं लेंगे तो वो गीला गीला सा स्टिकी सा हो जाएगा, ठीक है, तो वो दिक्कत करेगा। तो ये देखिए, ये सारा हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा मिक्स हो चुका है, इसको अलग हटाए साइड में हटा देंगे। ठीक है, और एक बात गाइस, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट कि क्या है। ये देखिए गाइस, मेन इंग्रेडिएंट देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ये रोटियां। ठीक है, अक्सर करके रोटियां घर में बच जाती हैं जो कि कोई नहीं खाता, और बच्चे तो बिल्कुल रोटियां खाना पसंद नहीं करते। तो आज इन्हीं रोटियों से हम एकदम यम्मी सा बनाएंगे टेस्टी नाश्ता। तो ये देखिए, एक रोटी को हमने ऐसे लिया, इसको फोल्ड किया और इस तरह से कट किया। देखिए हमें बराबर में कट करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप फोल्ड करके ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो हम सारी कट करते हैं, फिर मिलते हैं इस तरह से। देखिए गाइस, एक बात और ध्यान रखिएगा, रोटियां कोशिश ये करिएगा बहुत ज्यादा मतलब पुरानी ना हो, ठीक है, ताजी हो, और अगर ताजी नहीं है बिल्कुल मतलब रखी हुई है तो बहुत ज्यादा हो, सुबह की रखी हुई हो शाम को, और शाम की रखी हुई सुबह, क्योंकि ऐसी नहीं होनी चाहिए रोटियां कि हम उसको ऐसे फोल्ड करें तो ये टूट जाए। टूटने वाली रोटियां हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप टूटने वाली रोटियां लोगे तो ये बेकार हो जाएंगी फोल्ड करने में। देखिए इस तरह से दो भागों में हमने तोड़ दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप चाकू से अगर नहीं हो रहा तो ऐसे फोल्ड करिए और बीच से तोड़ दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छे से टूट जाती है रोटी। ठीक है, तो इनको हमने ऐसे ही दो भागों में
कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा हमने लिया है बेसन, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसन की भी जरूरत है। आप इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं, बट हमने बेसन लिया। ये देखिए थोड़ी सी हींग, 2 पिंच, और अब हम अपना वही कड़वा वाला नमक ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमने बना के रखा है। देखिए हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से सारा सामान बना रहे हैं। ये देखिए थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून, और अब इसको इसका हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का केट बनाएंगे, डालेंगे, जिससे कि हमारे बेसन में गांठे ना पड़े, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए बेसन फिट चुका है। देखिए हमको कि हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे स्पून से भरा और ऐसे डाला तो एक में ही मर्ज हो जा रहा है, कोई रिबन या कोई वो नहीं बन रहा है। चलिए आपको पास से दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ऐसे हम डाल रहे हैं, तो ये देखिए एक में ही आपस में ही ये बार बार मिल जा रहा है। तो हमको इसी तरह से ही लिक्विड फॉर्म में चाहिए बेसन। आप अगर मैदा लेते हैं तो मैदे को भी इसी तरह से करना है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं 5 मिनट के लिए, और तब तक देख लेते हैं कि हमें रोटियों का कैसे बनाना है। ये देखिए गाइस, हमने रोटी अपनी ले ली है, एक टुकड़ा, ठीक है, हाफ टुकड़ा, और इसमें हमने अपना थोड़ा सा बैटर रखा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसको अच्छे से हमने इसमें चिपकाना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हमें हल्के हल्के हाथों से ऐसे अच्छे से टाइटली, हल्के हाथों से नहीं, टाइटली हमको इसे फोल्ड करना है, बट इस तरह से रहे कि इसके अंदर जो बैटर है हमारा वो बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से पैक करना है। तो इस तरह से ही हम थोड़ा सा आलू और लेंगे, इस पर साइड में यहां पर लगा के कस के इसको पिंच करेंगे, तो ये देखिए चिपक गया। तो इसी तरह से हमको सारे बना के रख लेने हैं। ये देखिएगा सारे रोल हमारे बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब इनका हम आगे काम दिखाते हैं कि हमें क्या करना है। ये देखिए गाइस, अब हम अपनी एक फॉग ले लेंगे, या स्पून या हाथ से ही काप करके डाल दें, इस तरह से इसमें डालेंगे, ठीक है, इसको रोल करेंगे सब तरफ से और इस तरह से, ठीक है, पूरा कोट करेंगे। उसके बाद इसको हम उठा करके, ये देखिए एक और इंग्रेडिएंट, ये है सेवैया। इस समय सावन चल रहा था, ठीक है, तो सबके घर में होंगी जरूर। बस इसमें हमको कोट कर देना है सेवैयों को अच्छे से, इसको ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से ये सारी कोट हो गई, ठीक है, अच्छे से कोट करना है। और इसको अब फ्राइंग पैन में हमें डाल देना, तो चलिए फ्राइंग पैन में डाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, हमने ले लिया अपने फ्राइंग पैन, और फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखना है, और ये अपना उठा के धीरे से डाल देना है, ठीक है, और इसको हल्की आंच पर भूनना है। अभी हमारी फ्लेम तेज है थोड़ा सा, तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हल्की फ्लेम पर इसको धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही पकाना है। और ये देखिए, आपके पास अगर सेवैया नहीं है तो आप ब्रेड का चूरा, जो सूखी ब्रेड आती है जिसको हम रस्क बोलते हैं, या फिर ब्रेड का चूरा ले सकते हैं इसको लगाने में। और देखिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट हमारे पके हुए हैं, मतलब बने हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए हमारा ये हो चुका है, लगभग हमारा धीमी फ्लेम पर इसको हमने क्रिस्प किया है, तो लगभग लगभग 3 से 4 मिनट लगता है क्रिस्पी होने में। तो इसको अच्छे से क्रिस्प कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम निकाल कर एक पैन में रख लें, एक प्लेट में रखेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला, इसको इस पैन प्लेट में रख लिया या टिश्यू पेपर पर, और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, फिर मिलेंगे। ये देखिए गाइस, बन चुके हैं हमारे गर्मा गर्म। हमने इनको रोटी स्प्रिंग रोल कहा है, आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों के हिसाब से इनका क्या नाम है और हमें क्या नाम रखना चाहिए। देखिए एक हमने बनाया हुआ है बिना सेवई का, तो आप इसको भी क्रिस्पी बना सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा बैटर को थिक रखना पड़ेगा, मतलब सेवई हमने लपेटनी थी इसलिए हमने बेसन के जो बैटर को है उसको थोड़ा सा लूज रखा था, इसके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी सही करनी पड़ेगी, बट ये भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, बहुत ज्यादा यमी है। तो चलिए इनको हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे रोटी स्प्रिंग रोल कितने प्यारे और कितनी यम्मी है, और आप इनका जो क्रिस्प है वो आप खुद सुन सकते हैं। ये देखिए आप सुन रहे होंगे इतना प्यारी, और ये चाय स्नैक्स, चाय के साथ है और जैम के साथ है, और सबसे ज्यादा चिली सॉस के साथ, बड़े लोगों को चिली सॉस के साथ, या फिर
वो जो होती है सेजवान चटनी उसके साथ, और छोटे बच्चों को जैम के साथ सर्व करिए। इतने टेस्टी हैं कि बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जो बच्चे रोटियां नहीं खाते हैं वो इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो आज की हमारी ये रेसिपी रोटी स्प्रिंग रोल आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।